नमस्कार दोस्तों, YouTube के अनिल टेक्निकल चैनल में मैं आपका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है दोस्तों अस्था ट्रेड में बैंक निफ्टी स्क्रिप्ट, जो भी बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग कॉल पुट है, जो भी कॉल या पुट लगाना होता है तो वो कहां पे लगाएं, किस तरह से ऐड करें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट टाइम मुझे आए थे, तो मैंने इसके रिगार्डिंग एक स्पेशल वीडियो बनाया है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपकी इसे कोई शिकायत नहीं रहेगी, तो वक्त न गंवाते हुए शुरू करेंगे। इससे पहले कहना चाहूँगा इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखिएगा, ठीक है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्यूरी हो तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर कर देना। तो और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकॉन को हिट कर ले ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आपको पहले क्या करना है कि आस्था ट्रेड में आपको अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन होने के बाद आप जैसे ही लॉगिन करोगे, ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से आपका इंटरफेयर खुलेगा, ठीक है। जहाँ पे अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वैभव धवन करके, जो मैं यहाँ पे मेरा क्लाइंट्स है इनका मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें पहले क्या करना है कि पर्टिकुलर बात करूँगा बैंक निफ्टी के स्क्रिप्ट। तो पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको बनाने होंगे वॉच लिस्ट। तो वॉच लिस्ट आपको पहले बना लेनी है। तो वॉच लिस्ट में जैसे मैंने यहाँ पे देखो माई स्टॉक बनाया है, एक वैभव करके मैंने वॉच लिस्ट बनाई है, तो इसको मैं वैभव को क्लिक कर लूँगा। जो भी आप वॉच लिस्ट बनाना चाहते हो उसको नाम दे के आप पहले वॉच लिस्ट बना लीजिएगा। अगर नहीं बनाना आता है तो आप, मैं दूसरे वीडियो में बनाऊँगा उसकी रिगार्डिंग, तो आप उसमें देख लेना। तो यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर आपका वैभव करके मैंने वॉच लिस्ट बना लिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये भी रिलायंस और ये बजाज फाइनेंस में इसको कट कर दूंगा क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टॉक है, ठीक है। तो मैं डिलीट करने के लिए अपने पास में ये ऑप्शंस होते हैं जिससे आप आराम के साथ इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे, अभी यहाँ पे देखिए ये जो मैं डिलीट मैंने किया था वो फिर से ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर हमको इसको पहले मैं डिलीट कर लेता हूँ, दो मिनट रुकिए, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। अभी ये मैंने डिलीट कर लिया है, ठीक है, ठीक है। अभी मैंने इस तरह से वॉच लिस्ट को मैंने चेंजेस उसमें कर डाला है। देखिए अभी क्या करना है, यहाँ पे सिंपली जो आपको राउंड दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप देखोगे मैं ब्रश यूज़ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो आपको यहाँ पे ये जो प्लस साइन दिखाई दे रहा है इसको हमें क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पे आप जाके इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर जो भी आपको बैंक निफ्टी का स्क्रिप्ट ऐड करना है वो हमें ऐड कर लेना है। अभी मैं थोड़ा लैंग्वेज पहले मैं चेंज कर लेता हूँ इंग्लिश करके, ठीक है। अभी एग्जांपल बैंक निफ्टी अगर चालू है 22,400 के ऊपर, ठीक है, तो मैं भी आपको अगर स्क्रिप्ट बैंक निफ्टी रिगार्डिंग स्क्रिप्ट ऐड करनी है तो मैं पहले बोलूँगा आपको डालना है बैंक निफ्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी डालना है, ठीक है। बैंक निफ्टी डालने के बाद ये आपको यहाँ पर स्पेस देना है, क्या करना है देखो, स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आप जो भी 22,400 का मुझे कॉल ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली वहाँ पे CE करके डालूँगा, ओके। तो 22,400 का कॉल ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखो अभी यहाँ पे देखेंगे हम, ये सब 22,400 का कॉल है, देखिए ये 22,400 का कॉल है। तो ये 6 अगस्त का है और ये 23 अगस्त का है, 23 जुलाई का है, ठीक है। तो इस तरह से ये आप यहाँ पर कॉल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं देखूँगा अगर मुझे 22,400 का कॉल अभी 16 जुलाई का ऐड करना है, ठीक है, 16 जुलाई का यानी लेटेस्ट एक्सपायरी। तो इस यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखाएगा कि कौन से इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि मुझे वैभव में ऐड करना है वॉच लिस्ट के, इसे आपको ऐड टू वॉच लिस्ट करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे बता रहा है यू आर एडेड सक्सेसफुली, ओके। तो इस तरह से आपको और बाकी में बैक जाना है, ठीक है। आप जैसे ही बैक जाओगे देखो यहाँ पर इस तरह से ये आपको यहाँ पर ऐड हो चुका है, देखिए यहाँ पर ये 22,400 का कॉल ऐड हो चुका है, ठीक है दोस्तों। और मुझे फिर से अगर मुझे वापस से मुझे स्क्रिप्ट ऐड करनी है तो मैं फिर से जाऊंगा यहाँ पे प्लस साइन पे जाऊंगा,
प्लस साइन पे मुझे डालना पड़ेगा बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी मैं ऐड करूँगा बैंक निफ्टी। उसके बाद मैं ऐड करूँगा 22,600 का कॉल, तो मुझे क्या करना है, स्पेस देना है कॉल। तो देखो इस तरह से 22,600 का कॉल आ गया। देखो यहाँ पे आपको डायरेक्टली 22,600 का कॉल ये आ चुका है, ये 23 जुलाई का है, ओके, ये 30 जुलाई का है, ये 13 अगस्त का है। तो इस तरह से आपको पहले नियर एक्सपायरी, जैसे कि मैं चुनूँगा यहाँ पे नियर एक्सपायरी का, तो नियर एक्सपायरी का मैं चुनूँगा 22,600 का कॉल, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बताएगा वैभव करके, जो आपकी जो आपने वॉच लिस्ट बनाई है उसमें आप ऐड करना है, यहाँ पे ऐड टू वॉच लिस्ट करना है और ओके दबाना है। तो इस तरह से आपके बाद में आपको जाके देखना है ऐड हुआ कि नहीं। तो इस तरह से आपको बैंक निफ्टी का या मैं आप कौन से भी यानी कॉल पुट जो भी आप ऐड करना चाहते हो इस तरह से आप ऐड करेंगे। अभी इसमें गलती क्या नहीं करनी है ध्यान में रखना, अगर आप यहाँ से प्लस साइन दबाओगे, ठीक है, फिर से बताता हूँ, यहाँ पे जैसे भी आपने जैसे आप प्लस साइन दबाओगे यहाँ पे ये सिंबल के ऊपर, ठीक है, जैसे ये सिंबल को आप दबाओगे तो वहाँ पे आपको करना क्या है अभी बताता हूँ। वहाँ पे आप दबाने के बाद अगर आपने जैसे कि बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी और यहाँ पे अगर स्पेस नहीं दिया और आपने डायरेक्टली ऐसे डाला 22,400 तो क्या होगा, इस तरह से नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों का ये बहुत प्रॉब्लम आता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसमें स्पेस नहीं देते हैं, तो बार बार करते रहते वो आता नहीं है। तो हमेशा ये गलतियाँ कभी नहीं करना है। तो अगर आप बैंक निफ्टी अगर आपने डायरेक्टली डाल दिया 22,600, ठीक है, 22,600 में डायरेक्ट डाल दिया तो इस तरह से वो नहीं आएगा। आप अगर इसमें 22,600 के बाद कोई बोलता है कि अरे मैं 600 डाल देता हूँ और सीधा कॉल भी डाल देता हूँ, ठीक है, कॉल, तो इस तरह से डालोगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा दोस्तों। तो हमें क्या करना है, ये गलती नहीं करनी है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी डालने के बाद आप यहाँ पे स्पेस दीजिएगा, उसके बाद जो आपको डालना है जैसे कि 22,400, 600, 800 जो भी आपको ऐड करना है उसके बाद स्पेस देना है और ये कॉल या तो फुट जो भी आपको ऐड करना है, सब हमने इस तरह से कॉल ऐड किए, बराबर। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा फुट भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं बैक साइड जाता हूँ फिर से और फिर से आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए हमने सारे ये कॉल ऐड किए थे, अभी हम इस तरह से पुट ऐड करेंगे, ओके, पुट। तो पुट हम ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं फिर से पुट ऐड कर रहा हूँ, मैं कलर दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए फिर से दिखा रहा हूँ, यहाँ जो आपको प्लस साइन दिखा रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ध्यान से दिखेगा बहुत अच्छे तरह से, ये वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक पूरा दिखेगा, आपको कभी भी बाद में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ऐड करना है, यहाँ पे अभी मैं देखूंगा मुझे पुट ऐड करना है बैंक निफ्टी, अभी बैंक निफ्टी में स्पेस मत दीजिएगा, बैंक निफ्टी पूरा डाल दीजिएगा पहले, बैंक निफ्टी वाला। अभी मुझे ऊपर से मतलब ये 22,400 अभी मैं 22,100 का यानी 22,100 का मुझे कॉल सॉरी पुट, ठीक है, पुट ऐड करना है, पी डालेंगे। तो इस तरह से 22,100 का पुट यहाँ पे 16 अगस्त का आ रहा है, देखो, तो ये इसको मैं ऐड करूँगा तो ये मुझे ऐड टू वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से अभी फिर से एक बार और एक दिखाता हूँ मैं, 22,100 हो गया, अभी 22,000 मुझे 22,000 का ही कॉल सॉरी पुट 22,000 का पुट 22,000 सॉरी 22,000 का पुट हज़ार का पुट देखिए, तो 22,000 का पुट मुझे ऐड करना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे ऐड प्लस टू कर लूँगा और इस तरह से ऐड हो जाएगा। देखो दोस्तों इस तरह से हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा सारा यहाँ पे 22,000 का कॉल पुट दोनों ही हमारा ऐड हो चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हमारा पुट ऐड हो चुका है, 22,300 का पुट यहाँ पे, 22,400 का पुट कॉल सॉरी ये भी छवि कॉल ये भी 22,100 का पुट और ये 22,000 का पुट। देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे आसानी के साथ आप ऐड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि आपको बैंक निफ्टी के स्क्रिप्ट पर्टिकुलर हम लोग कॉल और पुट की बात कर रहे हैं, तो कॉल और पुट आप किस तरह से ऐड करेंगे ये सारी क्यूरी आप इस वीडियो में आपका सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। अगर फिर भी इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी परेशानी या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख कर ज़रूर भेजना, ठीक है, और कमेंट्स में आप लिख देना। और अगर आपको और कोई परेशानी है, अगर आप कोई और मतलब आपको प्रॉब्लम्स आ रही है आस्था ट्रेड रिगार्डिंग, तो मुझे आप डायरेक्टली कमेंट्स में उसके सब्जेक्ट के ऊपर भी लिख देना, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा है, तो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो दोस्तों, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं
और आप अपने लोगों को, अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। और वीडियो को शेयर करके आपका नॉलेज बढ़ाइए दोस्तों, क्योंकि अब हमारा भी हम जो बढ़ाते हैं तो नॉलेज कर बढ़ने से बढ़ता है। तो दोस्तों आप भी वीडियो को शेयर करते जाइए, ठीक है। और उम्मीद करते दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पे आप नए हो दोस्तों तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं अच्छे अच्छे वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ वीडियो में यहाँ पे डालते रहता हूँ। और किसी को अगर आस्था ट्रेड में अकाउंट ओपन करना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर कुछ भी अकाउंट ओपनिंग के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो मुझे आप डायरेक्टली कमेंट्स कर देना, या तो फिर नंबर देके मुझे मेरा कॉल आप कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।